हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविन से। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऊटी रेस की। और 22 अप्रैल की रेस है। पहली रेस 11 बजे सुबह और आखिरी रेस 2 बजे है दिन में। तो सबसे पहले यार, आप सभी को यार मेरी तरफ से और टिप्स ऑन लिविन की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ सब खुश रहें आप लोग, और आप ईद मनाएं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ यार, हंसते खेलते और एंजॉय करें अपना दिन आप सभी। और आ जाते हैं दोस्तों पहली रेस में। सिलेक्शन में शॉर्ट ही लेके चलूंगा यार। पहली रेस 1500 मीटर की है, ऐसा ऊटी में ही पॉसिबल है, 1500 1300। और पहली रेस 1500 मीटर की रेस है, क्लास 5 की। यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा, 1 नंबर सनी आइसलेस। लास्ट रन बहुत बढ़िया था यार। फेवरेट तो वैसे फेवरेट था, बट ओड में 3.5 रुपए के आसपास पहुंचा हुआ था। और उमेश सेम जॉकी जा रहा है, और लास्ट टाइम 1400 गया था, और इस बारी 100 मीटर एक्स्ट्रा जाना है। उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते। और दूसरा घोड़ा यार इसी रेस में 3 नंबर भागा था, जैक रीचर। रन अच्छा था, और अयाज खान से, अयाज खान ही बैठा हुआ है। और शूज यहाँ पे स्टील से एल्युमिनियम हो रहे हैं, और बिल्कुल ये घोड़ा यार यहाँ पे सरप्राइज कर सकता है। काफी लंबा समय हो गया इस घोड़े को भी। तो यही दो घोड़े पिक करके चलूंगा। और तीसरा घोड़ा जो आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है यार, 2 नंबर बोहिमियन स्टार। तो ये आप वैसे देख सकते हैं, बट मुझे थोड़े से, मेरे सिलेक्शन आज के दिन ऐसे ही रहेंगे यार। मैं पिक लेके चलूंगा 1 नंबर और 3 नंबर पे। और सेकंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों। सेकंड रेस 1200 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड की। और यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा, 4 नंबर मल्टी वेव। उम्मीद करते हैं इस बार यार घोड़ा जीते, काफी लंबा समय हो गया घोड़े को। और दूसरा घोड़ा इसी रेस में पिक लेके चलूंगा दोस्तों। फिर आपको लगेगा कि अलग पिक ले लिया मैंने, और मैं खुद मानता हूँ कि मैं बिल्कुल डिफरेंट एक घोड़ा लेके चल रहा हूँ। 9 नंबर वेलू नचियार, सद्दाम इकबाल जी का घोड़ा है। और 8 नंबर भी सद्दाम इकबाल जी का घोड़ा है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ कि भाई, क्योंकि 9 नंबर यार अगर आप देखेंगे तो बोल्ड एक्ट के साथ में तीसरा लगा हुआ है, और मल्टीवेव उस दिन बोल्ड एक्ट के साथ में ही भागा हुआ घोड़ा है, और मल्टीवेव दूसरा लगा था। बाकी बहुत घोड़े हैं यार, बच्चा रेस है। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। इसके बाद थर्ड रेस में दोस्तों, थर्ड रेस में 1200 मीटर की रेस है, 3 ईयर ओल्ड की। और यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा, 3 नंबर मिस्टर स्टॉक सलमान खान। लास्ट रन यही दे रहा है, स्लो निकला था घोड़ा, बोल्ड एक्ट के साथ ही भागा हुआ घोड़ा है ये भी। और उम्मीद करते हैं ऊटी में अच्छा ट्रैक दे, रन अच्छा हो। और उसके बाद इसी रेस में दूसरा घोड़ा पिक लेके चलूंगा, 8 नंबर सॉफ्ट विस्पर पी साई कुमार। वैसे बहुत बढ़िया राइडिंग कर रहा है पी साई कुमार पूरे ऊटी में। और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों चौथी रेस में। 1600 मीटर की रेस है, क्लास 3 की। यहाँ पे मेरा पिक रहेगा 2 नंबर स्वीट फ्रेगनेंस ए असद असबार। पहला रन है वैसे ऊटी में, मतलब बाकी घोड़ा परफॉर्मर है यार, अच्छा पोटेंशियल है घोड़े पे। और दूसरा घोड़ा इसी रेस में पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 6 नंबर गेंटन सी उमेश। टर्मिनेटर के आगे थर्ड लगा था, कुछ इंसिडेंट हुआ था हिंदू सिंह, इस बारी सी उमेश बैठा दिया है। और आ जाते हैं इसके बाद 5वीं रेस में। 1400 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। यहाँ पे मैं सिंगली हॉर्स पिक लेके चलूंगा यार, मुझे और दूसरा घोड़ा समझ नहीं आ रहा इस रेस में। 1 नंबर चॉइस, उम्मीद करते हैं जीते सी उमेश। और उमेश भी यार इस बारी काफी टाइम बाद, मतलब चेन्नई ऊटी में एक टाइम था सी उमेश ही सी उमेश होता था, बट काफी लंबे समय से गायब था। और इस बारी उम्मीद करते हैं इस ऊटी में चैंपियन जॉकी बने इस सीजन में। और उसके बाद 6ठी रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर क्लास 2 की रेस है। इसमें भी मैं सिंगल ही हॉर्स पिक लेके चलूंगा दोस्तों, घोड़े बहुत हैं इसमें भी, बट मैं ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिंगल एक पिक लेके चलूंगा जो घोड़ा बोर्ड में रहे एटलीस्ट। 1 नंबर विंड सिंबल इनायत, 3.5 किलो का वेट का एडवांटेज है। लास्ट टाइम चौथा लगा नोटी डांसर के आगे। नोटी डांसर अपने आप में बहुत, वैसे ही यार आपको सभी को पता है, और क्लास 1 यहाँ पे क्लास 2 जा रहा है, और 3.5 किलो का अलाउंस का बेनिफिट है, बिल्कुल घोड़ा बनता है यार। उमेश बैठा होता तो शायद 62 किलो में जाता, बट इस बारी 3.5 किलो का बेनिफिट इनायत, अच्छा जॉकी है यार। और उसके बाद आ जाते हैं 7वीं रेस में यार। 7वीं रेस 1200 मीटर की रेस है, क्लास 2 की। यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा, 1 नंबर के स्टार।
अनिल कुमार जी ट्रेनर, इनका अच्छा घोड़ा यार, ये जॉकी का थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, बट घोड़ा बढ़िया है। अब मैंने घोड़ा पिक कर लिया है यहाँ पे, ये घोड़ा मुझे पसंद आ रहा है। अब जॉकी कैसी राइड करता है वो देखना पड़ेगा, बट घोड़ा बहुत बढ़िया है। और दूसरा घोड़ा घोड़ा इसमें रेस में पिक करके चलूंगा दोस्तों, 6 नंबर डायमंड एंड पर्ल। लास्ट टाइम काफी क्लोज सेकंड हुआ है यार, इनायत राइड कर रहा था और प्रपोज जीत गया था पीछे से आगे, और अब घोड़ा जीतना चाहिए यार, सीयू में इस बैठा हुआ है। और मैंने तो लास्ट टाइम भी इसी घोड़े को पिक किया हुआ था, और इस बार ही 200 मीटर शॉर्ट जाना है। उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते स्टार्ट टू फिनिश। तो इसी के साथ दोस्तों ऊटी के लिए ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों। इसके बाद दोबारा मिलते हैं आपसे 23 तारीख की रेसों में, और 23 तारीख को फिर ऊटी है। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक के मेरे भाइयों, बाय यार, बाय बाय।